ना, समझ में आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन क्लियर है ठीक। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो है, देन साइन अल्फा माइनस बीटा क्या हो सकता है? तो अभी देखो हमारे पास कह रहे हैं साइन अल्फा माइनस बीटा निकालो, और हमारे पास अल्फा बीटा पता ही नहीं है, तो यहाँ तो निकालने को कह रहा है, तो इधर तो कुछ दिमाग लगा नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा दिमाग लग भी सकता है तो यहाँ लग सकता है। तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास बस इतना गिवन है कि ये जीरो है। अब यहाँ हम सोचेंगे कि और क्या कर सकते हैं हम, तो देखो हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास अगर यहाँ कॉस 30 लिखा होता तो हमें पता है कि कॉस 30 की कोई वैल्यू लिख सकते, लेकिन अल्फा प्लस बीटा कितना है ये मुझे पता नहीं है। तो आपको याद है आपने सेकेंड एक्सरसाइज ट्रिगो का करा था, जहाँ कॉस से कॉस को गाइब कर देते थे हम, अगर कॉस हटके अल्फा प्लस बीटा मिल जाए तो क्या पता वहां से कुछ अल्फा माइनस बीटा ढूंढने की पॉसिबिलिटीज मुझे मिले। एग्जाम्पल कुछ ऐसा, जैसे देखिए आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, अब मैंने आपको बताया था साइन कॉस वगैरह वो कन्वर्जन वाला, वो तो आपने सीखा था कहाँ पे, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी का तो केस है नहीं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है कि हमें अल्फा बीटा तो चाहिए लेकिन यहाँ कॉस दिया है वहां साइन दिया हुआ है, तो मतलब अगर ये कॉस हट जाए यहाँ से तो अल्फा बीटा का कुछ रिलेशन ढूंढा जा सकता है और जो साइन के साथ फिट हो सकता है, मे बी, गारंटी नहीं है अभी। हम आप कैसे सोचेंगे, ऐसे ही सोच पाएंगे? अरे क्लियर है क्या कि करना क्या आखिरकार? तो हमने कुछ ट्रायल एंड एरर खेला अभी कि ठीक है इसको कॉस को हटा के देखते हैं, जो चैप्टर टू में एक्सरसाइज 8.2 में करा था, 10 से 10 हटाया था, तो सिमिलरली मैं भी वही कह रहा हूँ कि क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, कॉस 90 ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ठीक है। अभी देखो कंपेयरिंग द टर्म करके कॉस हटा सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख के जो आप लिखते हैं कंपेयरिंग द टर्म, काट मत देना, ये पता है सबको। हांजी यस यस सर। तो ये से कॉस से कॉस हट गया, तो रिमेनिंग इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 आ गया। अच्छा एक और चीज देखना, यहाँ तो कोइंसिडेंटली ये नहीं आ रहा है, लेकिन जब 90 वाले क्वेश्चन आ जाए ऐसा कुछ, तो हो सकता है आप लोगों को तभी फंस भी रहे हो कहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसे आ नहीं रहा है, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसा दिख रहा है बट इसमें है नहीं कॉम्प्लीमेंट्री यूज, इसीलिए ये तो चलो उससे अलग है ये क्वेश्चन, तो देख लेना कि कभी कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन ना आ जाए, आप लोग गलती से उस पर अपना दिमाग लगा रहे हैं और कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है। देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अरे आ गई क्या बोलिए? यस सर। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, अब प्रॉब्लम क्या है वो ध्यान से देखिए आप, प्रॉब्लम ये है ऑप्शन क्या क्या है भाई, क्योंकि यहाँ से आंसर ऑप्शन से हमें दिख पाएगा, क्योंकि ऐसे समझ नहीं पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया है, तो हमें करना क्या है वो टारगेट हमारे नजर में होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली वॉच ऑन RHS, याद है क्या? अरे याद है, यस सर। ऑप्शन बताओ जल्दी जल्दी, कॉस बीटा, कॉस टू बीटा, एक सेकंड, यहाँ देख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कॉस बीटा, हाँ, सेकंड ऑप्शन है कॉस टू बीटा, सेकंड कॉस, हाँ साइन अल्फा, और साइन बीटा, साइन बीटा, चलो फिर तो आंसर आ गया। मैं टेंशन में इसलिए आ गया कि मुझे लगा कि भाई इसकी वैल्यू निकालूं कैसे, मैं अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, साइन के साथ अल्फा माइनस बीटा, मैं इसलिए थोड़ा चक्कर खा गया। अब देखो ये आते ही मुझे डायरेक्शन मिल गया कि मुझे एक्चुअली करना क्या, हमें कोई वैल्यू निकालना ही नहीं है, तो बीटा यूटा के फॉर्म में लगाना है,
तो देख लो इधर आप, बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ अल्फा माइनस बीटा है, हाँ जी है। यस सर। तो आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को, बड़ा आसान है ये तो बस। तो देखो आरएचएस को देखते ही कितना आसान हो गया वो काम हमारा। यहाँ से अल्फा या बीटा को सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन, ठीक है, तो इसमें पुट कर दो वैल्यू, क्या आ जाएगा? साइन का साइन आ जाएगा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? 90 माइनस बीटा, अरे आएगा बोलो। यस सर। और ये माइनस बीटा एज इट इज रह जाएगा। मेरी बात क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। ओके अर्पिता, क्लियर है जी? आप yes, भी देखते रहो, क्या पता आपने ये कर लिया हो, लेकिन सबके अपने अपने डाउट है। तो जो और भी बच्चे हैं उनको आवाज आ रही है क्या, जो कनेक्टेड है? यस सर। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे लग गया ना, थोड़ा सा डिफरेंट लगा ये क्वेश्चन। तो ये क्या आ गया? 90 माइनस 2 बीटा, अरे आया? यस सर। यस। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये ऑप्शन होता तब तो आप सही करते, मतलब ये आपके इस बार के सिलेबस का है ही नहीं, हमें लग रहा था है, लेकिन कोई बात नहीं। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, एक फॉर्मूला होता है साइन, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आपने नहीं सीखा है वही वाला आ गया, साइन 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, बस इतना समझ, हाँ आप बस इतना समझ लो। और साइन के बदले हो जाएगा कॉस, तो ये कॉस लिख दिया, और थीटा जो होता है 90 के बाद जो बचा होता है उसी को थीटा कहते हैं, तो ये 2b, बस ये आंसर है। अब यहाँ आपको समझाना बेकार है, आप बस याद रखना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट इज नॉट कमिंग, तो ये पेपर में आएगा ही नहीं। आप अगर ये चेक करना गूगल पे है कि नहीं क्वेश्चन, अगर गूगल पे है तो नहीं आएगा, गूगल पे नहीं है तो टीचर ने खुद अगर बना लिया हो तो यहां तक हो सकता है, ये 90 माइनस 2 बीटा यहां तक लिख के दे सकता है। अरे क्लियर है क्या? ऑप्शन ही बना देगा 90 माइनस 2 बीटा, तो फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टच नहीं हुआ, यहीं पे आंसर कर दोगे। क्लियर है? अरे समझ गए है आंसर क्या है इसका? आंसर नहीं देखा बट मुझे पता है गूगल पे है, क्वेश्चन देखा मैंने पहले। अच्छा देखा हुआ है, तो फिर तो गूगल पे है तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि ये रिसेंटली देखा। क्या कह रहे हो? रिसेंटली देखा, ये मैंने एग्जाम से देखा। कोई बात नहीं, वो कर लेते हैं, आप समझ गए ना? अगर आपको पेपर में आएगा तो यहीं तक आ सकता है, ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी है, एग्जाम्पलर में है, लेकिन अपना वो एक्सरसाइज नहीं आ रहा है ना कॉम्प्लीमेंट्री वाला। कोई बात नहीं, करते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं, बस ये एक्स्ट्रा वाला स्टेप जो है थोड़ा आप यहाँ से देख लेना, ठीक है? क्लियर है अलीशा, ये अंडरस्टैंड हुआ? यस अलीशा, कोई डाउट है यहाँ पे जहाँ समझना है यहाँ से पहले स्टेप? नो सर, क्लियर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अलीशा, बताइए यहाँ से रिकॉर्डिंग एक एक सिंगल सिंगल।